बच गया बिगुल, बिच गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। आप लोगों ने जानते हैं, जब इसी राय धनवार विधानसभा में, इस राय धनवार विधानसभा में, इस देश में जो केंद्रीय हुकूमत चल रही है और इस राज्य को बनने के बाद भी यहां जब भी जरूरत पड़ता है तब उन सवालों को लेकर के हमारा यहां हिंदू मुस्लिम का जो खेल खेला जाता है। अभी पिछले वक्त समय में आपने देखा हमारे खास समुदाय को टारगेट करके वो हिसाब हम लोगों को कैसे लेना। साथियों, आज आप देख रहे हैं, आज इस धनवार विधानसभा में आपके बीच एक तरफ कॉमरेड राजकुमार यादव जी ने आज नॉमिनेशन कराया और एक तरफ आपके भाजपा से बाबूलाल मरांडी जी का नाम आया और आज इस सभा में हम आप लोग से भाषण देने नहीं आए, आज ये जवाब आप लोग को देना होगा। आज मैं एक सवाल करूंगी और जवाब हाथ उठा के आप लोगों को देना होगा। आप जरा बताइए कि 5 साल का आय व्यय का हिसाब आप लोगों को लेना है कि नहीं लेना है, जरा बताइए। क्या आपको विधानसभा में एक गूंगा विधायक चाहिए कि एक बोलने वाला विधायक चाहिए? जरा महिलाएं भी हाथ उठा के बोलिए कि आपको एक गूंगा विधायक चाहिए कि कोई बोलने वाला विधायक चाहिए? आपके बीच हमारे कॉमरेड 14 में जब पहली बार संघर्ष करते हुए जब विधानसभा गए, जब इन्होंने चुनाव जीता, चुनाव जीतने से पहले उन्होंने वादा किया था कि जो धनवार में चरपराई जो बिजली व्यवस्था है, जो भुक्त नगर बिजली आती थी और चली जाती थी, आप चार्जर लेकर के दौड़ते थे, मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाता, आपके भाई हो पति हो तो बाहर में रहते थे, फोन करने के लिए तरसते थे। लेकिन आप लोगों ने देखा जब राजकुमार यादव जी चुनाव जीते तो सबसे पहला काम बिजली सुधारने का किए। तो वो है विधानसभा में बाबूलाल मरांडी, आप विधायक को टका 2 करोड़ रुपए उसने वापस कर दिया, जो इलाके में के पता जो विधायक है तो बाबूलाल मरांडी। साथियों, आपको ये सवाल जानना होगा, इस इलाके में एक समय था जब गांव गांव में बिजली नहीं था, महिलाएं मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे के घर में लगाती थी और चार्ज करने का पैसा देती थी, बिजली आया लोग चुना बिना जाए। दो बात आपके बीच में साफ कहे कि धनवार का प्रतिनिधि कैसा होगा, ये आपको तय करना है। आपको तय करना है कि 20 तारीख को आप एक बहुमूल्य वोट किसे देंगे, जो 365 दिन 24 घंटे आपके जीवन के हर सुख दुख में खड़ा होता है उनको देंगे, कि चुनाव जीतने के बाद रांची में जाकर के एसी में अपना जो है जीवन बिताते हैं। हम साथियों कहना चाहते हैं कि 2019 में जब बाबूलाल मरांडी जी चुनाव जीते थे, उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त को यहां पर धनवार को बनाएंगे, उन्होंने कहा था कि हम भिमरा चालू कराएंगे, उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। 2009 के चुनाव में ही 2005, 2008, 2005 के चुनाव में जब लोगों ने देखा खास करके कि ये गरीब किसानों मजदूरों की संघर्षों की आवाज, गरीब गुरबों की आवाज, माले के रूप में, लाल झंडे के रूप में, महेंद्र सिंह के रूप में जो आवाज गूंजती थी, वो आवाज गरीब गुरबों की राज्य की विधानसभा में जा सकती है। तो खास करके 2000 के शुरुआत और 2005 के बाद 2009 में ही धनवार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सफाया कर दिया और फिर 2009 से कभी इस धनवार की धरती के भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधि को जीतने का मौका नहीं दिया, क्योंकि लोगों ने वो हकीकत देखा। ये जरूर है कि 2009 के बाद कई बार ऐसे मौके आए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के गुस्से को भाजपा के खिलाफ रंग बदल करके
चोले बदल करके आए और लोगों ने कहा, लोगों को बताया कि भाई नहीं, हम उससे अलग हैं। और उसे एक आध बार राजधमार की जनता ने थोड़ा भरोसा किया। गांधी को क्या देना चाहेगा, झारखंड की जनता को देना चाहेंगे, धनवार की जनता को संदेश देना चाहेंगे कि 2019 से लेकर 24 तक जो झारखंड में, जो धनवार में लूट कर राज चला, जो ऐसा निकम्मा विधायक बना जो कोई सवाल धनवार की जनता के लिए नहीं उठाया, पूरा ब्लॉक से लेकर थाना तक भ्रष्टाचार फैला रहा। आपने देखा कि इस क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज नहीं है, गांवा तीसरी से लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं, वहीं बगल में बगोदर में इतना विकास हो रहा है, सड़कों की हालत खराब है, यहाँ पर पूरा राशन की लूट हुई। और हमारे जो प्रतिनिधि, जो वर्तमान विधायक जो है, वो सभी मुद्दे पर चुप्पी रहे। इसलिए धनवार की जनता ने, इसलिए माले के पक्ष में बदलाव का संकल्प ले चुका है। और जो है सो 20 नवंबर और 23 नवंबर को धनवार की जनता 14 के जैसा 24 में इतिहास रचेगा और इस पर भारी बहुमत से धनवार की जनता जो इसको जिताने का काम करेगी। हमारे टक्कर में कोई नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रतिनिधि लोग हमारे प्रतिद्वंदी हैं जिनको जनता से 5 साल तक कोई लेना देना नहीं। पिछले बार आप इंडिया गठबंधन में थे लोकसभा चुनाव में, राज्यसभा चुनाव के दौरान आप लोग अलग हो गए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन वो भारत में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए थे, लेकिन धनवार की जनता जो है इस बार माले के साथ है और मैं लगातार जनता के लिए लड़ रहा हूँ 365 दिन 24 घंटा। इसलिए आप धनवार की जनता से अपील है कि जिस तरह से आज देखे कि जन सैलाब जो उमड़ा है, जो हजारों 20,000 50,000 लोग जो आए हैं, ये जनता तय कर दिया है आज ही नामांकन के दिन में कि धनवार जो इस बार लाल लहर के साथ।